लाहौर से खबर शामिल करते हैं जहां पर पंजाब में सिख जोड़ों की शादियों के लिए गुरुद्वारे रजिस्टर करने का फैसला कर लिया गया है वजीर सिंह अरोड़ा प्रधान पाकिस्तान कमेटी के अहम हुआ जिसमें सिख आनंद कराज मैरिज एक्ट दो हजार अठारह के मौजूद आरोप तफसी तबादला ख्याल किया गया सुबाई वजीर ने कहा है कि पंजाब में सिख जोड़ों की शादियाँ करने के लिए मुख्तफ गुरुद्वारे रजिस्टर किए जाएंगे और अठारह साल से कम उम्र के लोग शादी के बंधन में बंधने के लिए ना होंगे एक बार फिर आपको बताते चले कि पंजाब में सिख जोड़ों की शादियों के लिए गुरुद्वारे रजिस्टर करने का फैसला कर लिया गया है सुबाई वजी ब्रा सिंह अरोड़ा प्रधान पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी के दारत अहम इजलास हुआ जिसमें सिख आनंद के राज मैरिज एक्ट दो हजार अठारह के मौजूद आरोप तफसी तबादला ख्याल किया गया सुबाई वजीर ने कहा है कि पंजाब में सिख जोड़ों की शादियाँ करने के लिए मुख्तार गुरुद्वारे रजिस्टर किए जाएंगे और अठारह साल ऐसी कम उम्र के लोग शादी के बंधन में बंधने के लिए नाल होंगे